पहले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां एलएसी पर भारत बना रहा है पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और भारत के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से अब चीन की घबराहट बढ़ती जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तांगसिंग जू नदी पर करीब 47 करोड़ की लागत से इस मेगा प्रोजेक्ट पर हो रहा है काम, और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से अब चीन को पानी से भी लगेगा करंट। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इस बीच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ग्राउंड जीरो पर पहुंची हमारी संवाददाता अंजु निर्वाण, देखिए उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं इस वक्त यहाँ एलएसी से बेहद नजदीक हूँ, और यहाँ पर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश का एक हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाया गया है, और ये आपको बता दें जिस नदी पर बनाया गया है तकसंग चू नाला, उस नदी पर ये हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया गया है, और जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो 46 करोड़ के आसपास है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ टी गोम्पा विलेज के पास ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, इसे सितंबर के आसपास कंप्लीट हो जाना था इस साल, लेकिन अभी भी ये काम इसमें चल रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पर वेदर चैलेंजेस की बात करें या फिर जियोग्राफिकल चैलेंज की बात करें तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, पूरा पहाड़ी जोन है, पहाड़ी इलाका है, तो ऐसे में लगा यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है। और इस पूरे रीजन के जो कि ये टी गोम्पा विलेज के जो लोग हैं उन्हें बिजली दी जाएगी। अभी जिस तरह से टी गोम्पा विलेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर शाम के 4 बजे से लेकर सुबह के 7 से 8 बजे तक बिजली आती है, लेकिन जब ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा, तो गांव वालों को 24 घंटे बिजली मिला करेगी,